आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जो है अपने स्मार्टफोन से जो रेलवे टिकट का रिजर्वेशन है किस तरीके से करेंगे। इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको सिंपली चले जाना है IRCTC करके, जो है आपको यहाँ पर सर्च करना है और जो है कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है, आपको जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। 5 करोड़ से जो है ज़्यादा डाउनलोड है, बहुत सेफ़ एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट से अप्रूव है। तो यहाँ से इसको जो है आपको ओपन कर लेना है, पर एक अलर्ट आएगा आपके सामने COVID-19 से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है आपको ऊपर जो है एक लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है आपको एक ट्रेन फ्लाइट आप सब जो भी चाहें आप कर सकते हैं। नीचे जो है उनके पार्टनर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेक माई ट्रिप, IRCTC, एयर, ठीक है, इस तरीके से अमेजोन भी है, गो आई भी है। तो आपको जो है ऊपर सबसे पहले वाला ट्रेन वाले सेक्शन में क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो है आपको बुक टिकट और माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजेक्शन, अपकमिंग जर्नी, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से जो है आपको बुक टिकट में क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको फ्रॉम और टू का जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे फ्रॉम में मैंने जो है लाल को सिलेक्ट किया हुआ है और जो है टू में देहरादून। तो मुझे जो है यहाँ पर इसका रिवर्स करना है, तो बीच में जो है आपको एक एरो देखने को मिलेगा जो कि दोनों तरफ को है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो इधर से उधर यानी चेंज हो जाएगा ये। आपके केस में आप पहली बार आएंगे तो आप जो है यहाँ पर जैसे फ्रॉम है इसमें आप जाएंगे, यहाँ से जो भी स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर सर्च करके जो है आप इसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है टू में भी यहाँ जहाँ को आपको जाना है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे आपको एक क्लास का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्लास, जैसे कि आप देखेंगे आपको AC लेना है, स्लीपर लेना है, या फिर जो है 2 AC यानी कि जो बैठने वाली सीट होती है वो लेनी है, सेकेंड सीटिंग बोलते हैं जिसे, तो जो भी लेना है आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे, या फिर ऑल क्लासेस में आप क्लिक करके जो है सारी की सारी सीटें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कोटा वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपको जनरल, तत्काल, लोअर बर्थ सिटीजन, ठीक है, प्रीमियम तत्काल, और जो है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, जो भी आप हैं उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जनरल लेन देता हूँ क्योंकि मैं जनरल हूँ। और नीचे जो है आप देखेंगे फ्लेक्सिबल भी डेट आ रहा है, तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे जो है आपको आगे की भी डेट ये दिखा देगा। यहाँ पर जो है आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, और ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ और रेलवे पास कंसेशन, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्चर डेट का जो है एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद जो है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपको जाना है। यहाँ पर कैलेंडर ओपन हुआ है, ये अगस्त है, तो मुझे जो सितंबर में जाना है, एक एरो है आगे की तरफ, इसमें आपको क्लिक करना है। मैंने जो है सैटरडे को जाना है, तो यहाँ पर 3 तारीख को सैटरडे है, इसको यहाँ पर मैं ओके करता हूँ और जो है ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद सर्च ट्रेन करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 ट्रेन इसने दिखा दी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक है दोस्तों रात में 13:30 की, यानी 23:30 की, दूसरी है दोस्तों यहाँ पर जो है 15:45 में, यानी कि 3:45 की। तो मैं जो है नीचे वाले में जाने वाला हूँ, यानी कि 15:45 में। यहाँ पर मैं 2S को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 2S है, तो यहाँ पर 2S में जो है आप देखेंगे आगे की भी डेट ये दिखा दे रहा है कहाँ कहाँ सीटें हैं। तो यहाँ पर मैं 2S में क्लिक करता हूँ और जो है यहाँ पर 3 तारीख की जो है ट्रेन को सिलेक्ट करता हूँ। 408 सीट जो है यहाँ पर दिखा रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर कितना फेयर है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो है आपको पैसेंजर डिटेल में क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार यहाँ पर IRCTC की वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको एक रजिस्टर यूज़र का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर डालना है, email ID डालनी है, यूज़र नेम डालना है यूनिक सा, यहाँ पर पासवर्ड डालना है आपको। पासवर्ड जो है आपको यहाँ पर जो नंबर, न्यूमेरिकल और जो स्पेशल कैरेक्टर यानी कि हैच वगैरह स्टार होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाना है, जिससे जो है आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग बने। और जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप डाल सकते हैं, मिडिल नेम जो है यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपका है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देना है, और जो है यहाँ पर आप इंडियन हैं या फिर नहीं है यही जो है आपको यहाँ पर डाल देना है। क्वेश्चनिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन, कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ से जो है डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज योर पेट नेम, स्कूल नेम, जो भी आप चाहें उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आंसर भी जो है यहाँ पर आपको बगल में जो है उसी हिसाब से दे देना है।
ठीक है, ऑक्यूपेशनल ऑप्शनल है, और जो है यहाँ पर मैरिटल स्टेटस भी ऑप्शनल है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से जो है आपको मोबाइल नंबर जो है ईमेल आईडी को जो है ओपीडी के माध्यम से जो है यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक आपको पिन बनाना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे जो है यूज़र गाइड है, इसमें जाके जो है आप क्लिक करके सारे की सारी प्रोसेस को जो है देख पाएंगे। ठीक है, मैं पैक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है पहले से यूज़र आईडी है, तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम डालूँगा और जो है पासवर्ड डालूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जो है डालने के बाद जो है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल कर लिया है, तो मैं इसको जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो है ये वेरीफाई यूज़र कर रहा है, कुछ टाइम लेगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर पिन डालना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया है, मैं यहाँ पर इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, और जो है इसको रिमेंबर करना है आपको, क्योंकि आप जो है अगली बार यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको जो है वहाँ पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल पिन डाल के जो है आप यहाँ पर लॉगिन हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस दोबारा से आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। तो पैसेंजर डिटेल में ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई एग्री में आपको क्लिक करना है, आए और जो है उसके बाद जो है ओके। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा, ऐड न्यू, ऐड एग्जिस्टिंग, ऐड इन्फेंट विद जो है बर्थ, और ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। तो यहाँ पर जो है आपको ऐड न्यू करना है, अगर आपको अपने बच्चे का विद बर्थ करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो जो है आप जो है विदाउट बर्थ करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है मैं सिंगल हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ जो है ऐड न्यू करता हूँ और जो है यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे मेरा नाम है गोविंद सिंह, उसके बाद एज आपको डाल देनी है, आप जो भी है मेल फीमेल वो जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है बर्थ प्रेफरेंस करना है, मैं जो है साइड विंडो कर लेता हूँ और जो है ऐड पैसेंजर कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, ऊपर की साइड चले जाना है, आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत से। ठीक है, तो ये इनके बारे में कभी और बात करेंगे, फिलहाल जो है यहाँ पर मैं फटाफट टिकट आपको बुक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं पेमेंट मोड में जाता हूँ, तो यहाँ जो है आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको जो है कन्वीनियंस फी जो है 15 रुपये मिलेगी, और जो है UPI से करते हैं तो 10 रुपये। तो मैं यहाँ पे थ्रू UPI करता हूँ और जो रिव्यू जर्नी कर लेता। आगे बढ़ने के बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, आपको जो है एक कैप्चा यहाँ पर फिर से डालना पड़ेगा और जैसे यहाँ से ओके यस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको पेमेंट कर लेनी है, आपके पास जो भी माध्यम हो, पेटीएम, रोजर पे, फ़ोनपे वगैरह कुछ भी हो, आप उसे जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट मैं पेमेंट करके जो है आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो पेमेंट मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ से डाल दी है, तो इसके बाद जो है फ़ोनपे से एक नोटिफिकेशन आएगा मुझे अभी। यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोनपे में जो है IRCTC की तरफ से जो है रिक्वेस्ट आई है, यहाँ से आपको पे कर देना है। आप चाहें तो पेटीएम वगैरह कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो इसको जो है मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जो है टिकट बुक हो चुकी है, ट्रांजेक्शन ID जो है ऊपर आ चुकी है, PNR नंबर यहाँ पर आ चुका है, बाकी जो है मेरी सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने जो रेलवे टिकट को जो है बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन को कर सकते हैं 90 दिन पहले जो है यात्रा से। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं लगी डिसलाइक करना। और हाँ, अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंसर्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है नीचे कॉमेंट में मुझे बता देना, उसके लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो जो है आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट में बताता चलूँ, तो यहाँ आप देखेंगे D1 जो है कोच है, 79 जो है यहाँ पर मेरा बर्थ है यानी सीट नंबर है, और जो है यहाँ पर आप बर्थ का टाइप जो विंडो साइड मैंने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे विंडो साइड आ चुका है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, नहीं आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कमेंट में आपको क्यों नहीं पसंद आया।